गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? चलिए, बहुत ही अच्छा। कोरोना वायरस के सिलसिले में आज सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन से ही आज हम जो लेसन प्लान हमें जो मिला है उसके आज बात करते हैं। चलिए, माइक्रो टीचिंग्स एंड जो भी यहाँ पे जो हमें बनाने को जो टॉपिक्स मिला है तो बात करते हैं। चलिए बच्चों, जो है आप लोग क्लास में, क्लास के बाहर और क्लास के अंदर में ऐसे क्या क्या चीज नजर आता है हर रोज, उसके बारे में थोड़ा नाम बताइए। चलिए वेट करते हैं, नाम बताइए। अच्छा, चलिए चलिए, बेहतरीन 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 बेहतरीन, चलो बहुत बढ़िया है। तो ठीक है, तो वो जो चीज़ है उसको जानते हैं कि उसको साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है? अच्छा, नहीं जानते, चलिए बात करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे आसपास के, हमारे दिख रहा है बच्चों, हमारे आस पास के पदार्थों, हमारे आसपास के पदार्थों, हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो भी आप लोगों को नजर आता है दैनिक जीवन में। स्कूल आज सुबह से उठ के शाम तक जो भी चीज नजर आते हैं उस चीज को साइंस के भाषा में क्या कहा जाता है, आज जानिए। आज उसी टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इसलिए नाम है हमारे आस पास के पदार्थों। तो उसको साइंस के भाषा में पदार्थों कहा जाता है, दैट इज एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो चलिए मैं आज कुछ ना लेके आए हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या क्या नजर आ रहा है, इसको थोड़ा अपना एक नजरिया देख के देखिए क्या है। ये सारा पक्षी है, कबूतर है, बत्तख है, काइट्स है, तोता है, मुर्गी, सब कुछ है। ये सब को अगर बोला जाते हैं, स्पेशली हम लोग नाम दिए हैं यहाँ पे हमारे समाज में, लेकिन साइंस की भाषा में इसको क्या कहा गया है? ओनली फॉर द पदार्थों कहा जाता है। जितना सारा नजर में आ रहा है, आपका कुर्सी, पेन, टेबल, किताब, ईटीसी, जो भी सोच रहा है दिमाग में, सारा कुछ साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है? पदार्थों कहा जाता है। पदार्थों अब समझ में आ गया, तो पदार्थों क्या है कोई बता देता है तो चलिए हम लिख के बता देते। पदार्थों का लोगों ने पूछ लिया कि पदार्थ क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं पदार्थ है क्या। जैसे वे सारा चीज जो हमारे संसार में विद्यमान है, वे सभी वस्तु, वे सभी वस्तु जो हमारे, जो हमारे विश्व में उपस्थित हो या विद्यमान हो, क्या विद्यमान हो, उसे ही वस्तु कहा जाता है, उसे ही वस्तु कहा जाता है। तो अब समझ में आया, वस्तु अगर कोई पूछ ले कि वस्तु क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं वस्तु वे सारा चीज जो हमारे संसार में, हमारे विश्व में विद्यमान है, चाहे पेन, कुर्सी, कलम, चेयर, बेंच, मानुष, आदमी, पेड़, पक्षी, जानवर, सभी चीज हम बोल सकते हैं साइंस की भाषा में एक ही बात, पदार्थों उसको कहा जाता है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, जो पदार्थों है, ये पदार्थों को आप लोग जान लिए, तो पदार्थों का भी कुछ प्रकार होता है। जैसे यहाँ पे देखिए पक्षी में भी कुछ अलग अलग कैटेगरी है, वस्तु बोलने से जानवर का कैटेगरी अलग हो गया है, पक्षी का कैटेगरी अलग होगा, आदमी का कैटेगरी अलग होगा, उसी तरह से वस्तु का भी कुछ कैटेगरी है। स्टेट ऑफ द मैटर मतलब पदार्थ का अवस्था बोलो या पदार्थ का वर्गीकरण बोलो। तो चलिए पदार्थ समझ में आया, आज उसके बाद बात करते हैं कि पदार्थों कितने प्रकार का होता है। ये भी क्या है? ये डिस्टर है, ये भी पदार्थों हम बोलेंगे, ये भी हम पदार्थों बोलेंगे,
समझ में आया, ये कला में इसको भी हम पदार्थ बोलेंगे। तो समझ में आया पदार्थ किसको बोले जाता है। चलिए आप इसके बाद में पदार्थ का प्रकार के बारे में यहाँ पे हमें जानकारी लेंगे। चलिए पदार्थ का जो प्रकार है इसको हम कुछ उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ। और इसको देखिए, चलिए जो पदार्थ होता है इसको हम थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ आप लोगों को। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पदार्थ जो होता है इसका वर्गीकरण हम लोग करेंगे। तो चलिए इसको कैसे, इसको हम लोग स्पेशली पांच भाग में इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पे पढ़ना है ओनली फॉर 10 टाइम्स का पढ़ना है। आप लोगों को बेसिकली ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए पदार्थ पाँच प्रकार का है, लेकिन आप लोग पाँच प्रकार जानना नहीं, आप लोग 3 प्रकार का ही जानना। क्या क्या है? एक है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ठोस, द्रव और गैस और जान सकते हैं, और एक थोक है वो आइस बॉल, उसके प्लाज्मा, प्लाज्मा और एक है बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन। ये पदार्थ का पांच अवस्था है, पांच भाग है। तो बेसिकली हमें जो पढ़ना है 9th क्लास का जो है यहाँ पे जो हम लोग का सिलेबस में है, केवल ठोस, द्रव और गैसी पढ़ना है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। तो चलिए पदार्थ, तो सर आप बताया कि संसार में जो भी चीज विद्यमान है उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं, लेकिन अब पदार्थ का भाग आ गया है, इसको कैसे हम लोग जानेंगे? पदार्थ के अंदर में कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है, हम लोग कैसे जानेंगे? तो इसके लिए मैं आप सभी बच्चों को मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, इस दिखाना चाहता हूँ, इसके द्वारा आप लोग अच्छा से देख जान सकते हैं कौन ठोस, कौन द्रव और गैस। ठोस में क्या होगा? कड़ा होगा, कूड़ा। मतलब ठोस में क्या होगा? आपका जो भी चीज बना होगा, जो भी चीज बना होगा उसको हम लोग आसानी से तोड़ मोड़ नहीं सकते हैं, उसको आसानी से तोड़ मोड़ नहीं, क्योंकि उसके अंदर में तुम्हें बहुत छोटा छोटा कौन रहता है। जैसे ये क्या डस्टर है, इसको हम लोग तोड़ मोड़ आसानी से नहीं सकते हैं, आसानी से तोड़ मोड़ सकते हैं क्या? नहीं सकते हैं। तो मोटा मोटी बात से हम ठोस उसी को बोलेंगे जिसको हम आसानी से तोड़ मोड़ नहीं कर सकते हैं, और उसको जब पीटेंगे ना तो आवाज होगा। ये क्या है, जैसे आवाज हो रहा है तो पीटेंगे तो आवाज होगा, और भारी होगा, भारी द्रव्यमान होगा, इसी को बोला जाता है ठोस। समझ में आया? वो द्रव्य किसको कहा जाता है? द्रव्य में क्या, इसके अणु थोड़ा थोड़ा दूर में रहता है, उसके अंदर में जो कौन रहता है ना, थोड़ा दूर दूर में रहता है, दूर दूर में रहता है, तो उसको हम आसानी से जब मोड़ेंगे तो मोड़ सकता है। जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण दिखाना चाहता हूँ, जैसे इसमें क्या है, प्लास्टिक के अंदर में पानी है, तो जैसे इसको हम चपेंगे तो क्या दिखे, तोड़मोड़ हो रहा है ना, तोड़मोड़ हो रहा, मतलब जिसमें आसानी से हम बोल लगा के, थोड़ा बोल लगा के अगर उसको हम तोड़मोड़ कर सकते हैं और उसका आकार तुरंत बिगड़ जाएगा, उसी को द्रव्य कहा जाता है। और द्रव्य क्या है, हम जिधर चाहे उसको घुमा सकते हैं, जैसे पानी हो गया है, तेल हो गया है, तो ये पानी है, इसको क्या द्रव्य कहा जाता है। इसके अंदर में क्या है, दूर दूर में कौन है, तो उसको चिपेंगे तो अंदर हो जाता है। उदाहरण के लिए जल, इसको हम बोल सकते हैं जल, ठीक है। इसके लिए हम बोल सकते हैं पेन, और गैस क्या चीज है, अरे बाबा गैस, जैसे हम लोग पढ़े हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, गैस है, जैसे इस रूम में हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। लेकिन देखिए आज का गर्मी का दिन है तो हम लोग को ऑटोमेटिकली गैस लग रहा है, मतलब हम लोग अंदर से ही क्या रहा, देखिए पानी पानी आ रहा है, मतलब क्या इस रूम में गैस है, गैस है, लेकिन हम लोग को केवल हम लोग अनुभव कर रहे हैं, देख नहीं पाते हैं उसको, हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसी को गैस कहा जाता है। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और नाइट्रोजन छोड़ते हैं,
तो वह है हम लोग का गेज, जिसका और दूर दूर में पार्टिकल्स का कोण दूर 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 में रहता है। उसको जैसे एक अगरबत्ती एक कोना में जला देते दूसरे जगह पे उसका सेंट चला जाता है, किसके गैस के माध्यम से धूल मन मिल जाता है। तो ही है अब लोग समझ में है पदार्थ किसको बोलेंगे। तो पदार्थ संसार में जो भी चीज विद्यमान है उसी को पदार्थ कहा जाएंगे। और पदार्थ का प्रकार क्या, एक ठोस है, एक द्रव्य और गैस है, ये हमें नहीं पढ़ना है या हमें आगे जाके पढ़ना है। तो ठोस द्रव्य गैस को आप लोग आसानी से जान चुके हैं। तो चलिए कैसे लगा क्लास, इस क्लास के बारे में बताइएगा। चलिए थैंक यू।